नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों, रेलवे LPCVT 2 का जिनका एग्ज़ाम है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, और वो एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसको फॉलो कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ RRB के द्वारा एक लिंक एक्टिवेट किया गया है जिससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं CVT 2 का, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो उनका टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप यहाँ से करके जाओगे ना तो आपका वहाँ टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो CVT 2 देने से पहले है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, और मॉक टेस्ट देने से पहले जो उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको आप लोग पहले ही पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम तो आपके पास 15 मिनट रहता ही है, पर आप उसको वहाँ ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि दिमाग आपका एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे रहता है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन भी आप पहले ही जान लें कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं इसकी न्यूज़ पे। सबसे पहले, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आता है, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए, ये जो न्यूज़ निकली है ये ट्विटर के द्वारा ट्वीट किया गया है RRB। जी हाँ, RRB के जरिए ट्वीट किया गया कि डियर कैंडिडेट ऑफ सेकेंड स्टेज CVT 2 ऑफ CN 01 2018, हियर इज द मॉक लिंक ऑफ द फैमिलियराइजेशन विद द एग्जामिनेशन इंटरफेस एंड द प्रैक्टिसेस। जी हाँ, ये आपको RRB के हर बोर्ड ने एक मॉक टेस्ट लिंक का ट्वीट करके बताया है अपने उन कैंडिडेट के लिए जिनका CVT 2 का एग्ज़ाम है। तो आप लोग सभी इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। वैसे मैं इस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को दे दूंगा ताकि आप वहां से डायरेक्ट जाके मॉक टेस्ट वाले पेज पे जा सकते हो। चलिए, मैं इसको क्लिक करके दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अगर सिस्टम होगा तो आप लोग सिस्टम पे एग्ज़ाम दीजिएगा, आपके पास अगर सिस्टम है तो, अन्यथा मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। बस टाइम मैनेजमेंट आपको संभालना है, कैसे करना है ये सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा ही कुछ इंटरफेस रहेगा आपके एग्ज़ाम में भी। यहाँ पे आपकी तस्वीर लगी रहेगी, आपका कंप्यूटर सिस्टम नंबर होगा और यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है। अब देखिए, लॉगिन के लिए यहाँ पे अगर लॉगिन कुछ डालना नहीं है आपके, ना आईडी ना पासवर्ड, सीधा ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको पहले इंस्ट्रक्शन पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। देखिए, यह सारे इंस्ट्रक्शन है। आपको अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, उर्दू, मणिपुरी, देखिए इतने सारे लैंग्वेज में है। चलिए, मैं हिंदी पे ही क्लिक करके देख लाता हूँ आपको, और ये सारा जो सारा का सारा जो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है ये सारे आपको हिंदी में भी दिख जाएंगे यहाँ पे, या फिर आप इंग्लिश में देखना चाहोगे तो इंग्लिश में भी दिख जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पहले से ही। चलिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ आपको कि देखिए, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है आपका वो 60 मिनट का है और 90 मिनट का है। पार्ट ए जो है आपका 90 मिनट का है और पार्ट बी जो है आपका 60 मिनट का है, ठीक है। यानी 150 मिनट का टोटल आपका टाइम ऑफ यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके वो पार्ट ए में 100 होंगे और पार्ट बी में 75 होंगे। टोटल मिला के 175 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और यहाँ पे 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है आपकी। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिया है तो अगर 4th क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1/3 है यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन, यानी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो नेक्स्ट बटन दबाकर अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप अपने ऊपर है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को आप चूज करके उसमें एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि CVT 1 में आपने दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम। और बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, टाइम का है और रिव्यू वगैरह का है, ये सब देखो। ये जो बटन है आपके, अगर ये ऐसा ग्रे बटन में रहा इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। रेड बटन है कि मतलब आपने देखा क्वेश्चन पर अटैम्प्ट नहीं किया उसको। ग्रीन यानी कि आपने इसको अटैम्प्ट किया है। और पर्पल में जो है यानी कि आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब ये पूछेगा यहाँ आपसे कि ये कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप चूज़ करोगे यहाँ पे अपना लैंग्वेज, सपोज़ मैंने इंग्लिश ही चूज़ किया है, और यहाँ पे फिर क्लिक करना होगा। ये देखो इंस्ट्रक्शन आपको जानना होगा, क्योंकि आप वहाँ एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के पढ़ो उसको, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे इसके टेस्ट पे ले जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो टाइम है ना, ये टाइम है, ये स्टार्ट हो चुका है, 90 मिनट का है आपका पहला पार्ट, उसका क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू विच कंट्री वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप कॉल्ड एक्सिस पावर। जी हाँ, अब यहाँ पे पार्ट ए का क्वेश्चन शुरू हो चुका है आपका, और ये शुरू कर सकते हैं यहाँ से पार्ट ए का क्वेश्चन। आप पहला मान लीजिए, सपोज कोई भी आंसर यहाँ पे है, जापान क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इसको सबमिट एंड नेक्स्ट की सब सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इट मीन्स कि देखो ये ग्रीन हो गया यहाँ पे, यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए मैथमेटिक्स से है कि ट्रायंगल PQR इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इफ एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन कॉट आर इज इक्वल टू व्हाट। तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और सेव एज नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइएगा, इस पे क्लिक नहीं कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन पे। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है, ऐसे आपको एग्जाम देना है। तो एक बार जरूर देखिए ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार इन सारे क्वेश्चन को बना के खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग सभी। और जैसे ही आप सपोज मान लो ये टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर होने के बाद आपका पार्ट बी शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपका जो पार्ट ए खत्म करने के बाद पार्ट बी को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो भी ट्रेड से हैं आप, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और आपको जो आपका प्रोफाइल है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं इसके बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों पे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो ये कंप्यूटर पे खोलोगे तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगे इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे, कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आप देखना चाहते हो या फिर सिर्फ इंग्लिश में देना चाहते हो। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि कहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है, ठीक है। आपने मैंने तो इंग्लिश चूज किया था इसलिए सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा यहाँ से, ठीक है। सपोज मान लो 97 क्वेश्चन पे आ गए हैं तो ये बाकी जो क्वेश्चन है ये सारे ग्रे कलर में दिखलाएंगे वहाँ पे आंसर शीट में आपके, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे ही इस क्वेश्चन को मैंने आंसर पे क्लिक करके अटेम्प्ट कर दिया तो ये ग्रीन हो जाएगा, नेक्स्ट पे करते ही देखिए ग्रीन हो गया, और जो रेड है यानी कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बस क्वेश्चन को देख लिया है। तो मुझे लगता है कि इस सारे इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके कुछ पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मुझे लगता है कि जो दी गई जानकारी है उससे आपको संतुष्टि होगी, और ये जो न्यूज़ है ये आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, या फिर मैं ये लिंक दे दूंगा आपको जो कि RRB अहमदाबाद के जरिए यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो RRBADI करके आप सर्च करना ट्विटर पे, वहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। हर जोन का अपना अपना लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, आप लोग एक बार टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।